जय माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद शहीद भगत सिंह जी अमर रहे शहीद भगत सिंह जी अमर रहे शहीद भगत सिंह जी अमर रहे वंदे मातरम। ओके बहुत स्वामी जी जो है वो आते हैं और हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। साथ में अगर कहीं भी भारतीय अगर हम बात करेंगे BSYM की जो भारतीय संस्कृति युवा मंच है इस टीम को अगर कहीं भी किसी भी प्रकार की अगर जरूरत होती है सिर्फ एक कॉल पर जो है दादरा नगर हवेली सिलवासा के जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका के राकेश सिंह चौहान जी वो उनका हमेशा से एक सपोर्ट रहा है। कभी भी कोई भी ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे लिए किसी भी प्रकार से कभी भी युवा हो या किसी भी वर्ग के लोगों अगर उन्हें ज़रूरत होती है तो उन तक जाने पर जरूर उनको समर्थन भी मिलता है और सहयोग मिलता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इस संस्था के द्वारा जो भी कार्यक्रम होता है शुरू से ही हमेशा से ही जो है राकेश भाई लगे रहते हैं और कुछ भी लगता है आज भी हमने उसे सडनली बताया कि सर बारिश हो रही है और इस तरह का कार्यक्रम है उन्होंने अपने मीटिंग को छोड़कर यहाँ पर आया इसके लिए मतलब खुद वो यहाँ पर आए और पहुँचे तो उनके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ में कमेटी के जितने भी लोग हैं चाहे भगवान जी हों मंटू जी हों विवेक हो वासु जी हो बबलू भाई हो मनीष हो इस्लाम हो तमाम जो है सभी जो लोग हैं लगातार यहाँ पर एग्री रहते हैं कि भाई हम लोगों को काम करना है। और अब जो टीम है गुरुजी हम लोग ऐसा सोचे हैं कि अब तक 10 सालों से हम लोगों का मकसद कभी भी नाम और परचम के लिए हमने काम नहीं किया था सिर्फ एक सहयोग के तौर पर जो हमारे दादरा नगर हवेली के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस थे आर सत्य सुंदरम जी और थाना प्रभारी थे महाजन जी उनके कहने पर हमने एक शुरुआत की थी कि गणपति विसर्जन हो या छठ पूजा हो जहाँ पर लोग अक्सर खाड़ी में डूबकर कहीं ना कहीं एक घटना होती थी और किसी ना किसी के परिवार को क्षति पहुँचता था उसको देखते हुए हमारी 3 से 4 लोगों की टीम हमने स्टार्ट की थी और 5 से लोगों ने हमने प्लान किया था और उस करीब 10 साल पुरानी बात है जब हम लोगों ने खाड़ी में जाकर विसर्जन करना शुरू किया और प्रारंभ किया। हम लोगों का कोई मकसद नहीं था कि इसमें पब्लिसिटी लेनी है या काम करना है सिर्फ एक ही प्लानिंग था कि भाई उस जगह पर जाना है और वहाँ पर कोई भी दुर्घटना होने से रोकना है। और उस वक्त से सभी लोग जुड़ना शुरू हुए और सभी लोग एक एक करके जुड़ते गए। 2019 में इस संस्था का जो है रजिस्ट्रेशन गोपीनाथ कन्नन जी जो माननीय कलेक्टर रह चुके हैं यहाँ के उनके दिशा निर्देश पर हमने इसका रजिस्ट्रेशन कराया और अब वो चीज़ पूरा हो चुका है। और अब जो है आने वाले दिनों में इसकी एक अच्छी शुरुआत होगी। अब महिला ब्रिगेड के तौर पर BSYM महिला ब्रिगेड के तौर पर जल्द जो है उसे अभी हम यहाँ पर उतार रहे हैं ताकि महिलाओं के लिए और महिला सशक्तिकरण की जो बात होती है उसके प्रति भी हमारी संस्था जो है हमारी टीम जो है वो आगे चलकर काम कर सके और उसमें सभी लोगों का योगदान चाहिए। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं और जितने लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग दादरा नगर हवेली के अलग अलग विस्तार से आप लोग इस संस्था में जो भी जुड़ना चाहते हैं नीचे दिए हुए नंबर से संपर्क करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। तो आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और सबसे बड़ी बात है प्रशासन के साथ मिलकर आप लोगों ने जो बेहतरीन काम किया नदी में जाकर के अच्छी प्रकार से मूर्तियों का विसर्जन करना खाड़ी की साफ सफाई करना ब्लड डोनेशन कैंप करना बिना किसी सरकारी सहायता के बिना किसी पब्लिकल सहायता के आप लोगों ने अपने तन धन मन को लगा करके संस्था को यहाँ तक लाया। आज संस्था भारतीय मापदंड पर रजिस्टर्ड है तो मैं आप लोगों से अनुग्रह करना चाहूँगा केवल नगर हवेली ही नहीं अपितु पूरे भारत में संस्था का प्रचार प्रसार किया जाए और BSYM के जो रूल्स रेगुलेशन है उससे लोगों को वाकिफ कराया जाए। BSYM के जो काम करने का तरीका है BSYM एक धार्मिक या सामाजिक संगठन नहीं ये एक राष्ट्रीय संगठन है। यहाँ राष्ट्रीयता ही सर्वप्रथम है। यहाँ किसी जाति विशेष या व्यक्ति विशेष का कोई हिसाब किताब नहीं है। यहाँ पर केवल वही व्यक्ति जुड़ सकता है जो राष्ट्र को समर्पित हो। यहाँ किसी जात की संप्रदाय की या व्यक्ति भावना की जरूरत नहीं है। ये ना कोई सरकारी संस्था है ये एक गैर सरकारी संगठन है जो कि हर व्यक्ति को हर पुरुष को जो राष्ट्र से राष्ट्र को समर्पित है वैसे व्यक्ति को आगे आकर के और आगे बढ़ने का काम करता है। आपसे अनुरोध है कि पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करें और पूरे भारत में यहाँ राष्ट्रीय कार्यालय बनाएं और हर प्रदेश में इसका प्रदेश कार्यालय का अनावरण 2 से 3 साल के अंदर करें और जल्द से जल्द संस्था का 12A ATG करा करके और भारत सरकार में रजिस्टर्ड होकर के और बड़े से बड़े कार्य को करें। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। शहीद भगत सिंह अमर रहे। शहीद भगत सिंह अमर रहे।